ठीक हो गई, बच्चे आपस में कर सकते हैं। तो उसको मैंने आपको जो बताया था उसके माध्यम से बताया था कि बच्चे किस तरह इंजॉय करते हैं, जैसे आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती, जो उन्हें नीड होता है, जो उन्हें रिक्वायरमेंट होता है, उनकी आवश्यकता
पार्टिकुलर एक शिक्षक जो होता है कोई निर्देशन करता के रूप में जो छात्र होता है उसकी समस्या का समाधान करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो छात्र होता है उसे निर्देशन नहीं मिल पा रहा, उसे क्राइटेरिया नहीं मिल पा रही, लेकिन एक कक्षा जो एक क्लासरूम होता है वो एक पोडियम है या एक माध्यम होता है, जिसके माध्यम से क्या होता है बच्चों में सभी प्रकार की चीज़ें क्या हो जाती है, उनका जो स्ट्रेस है उनका जो तनाव है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उनकी समस्या का समाधान हो जाता है। क्योंकि जो शिक्षक होता है वो एक निर्देशनकर्ता के रूप में भूमिका निभाता है। तो पर्टिकुलर जब एक एक छात्र होता है इंडिविजुअली क्या होता है उसकी कई प्रकार की क्या होती है आवश्यकता होती है, ठीक है। आवश्यकता जब वो अनुभव करता है नीड, उसकी जो आवश्यकता होती है, अगर वो आवश्यकता की पूर्ति उसके अंदर नहीं होती तो उसके अंदर क्या क्या उत्पन्न होता है, तनाव उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? स्ट्रेस, तनाव उत्पन्न होता है। और तनाव जब इसको अनुभूति होती है कि मेरे को उसके अंदर एक तनाव आता है और उसे प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल पाती, वो किसी के संपर्क में नहीं आ पाता जो उसे गाइडलाइन करे, तो इसमें क्या होता है वर्ग चर्चा या परिचर्चा के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता, उसे जब तनाव होता है तो उसे आवश्यकता अनुभव होती है किसके लिए, अपनी अपने किसी जो उसका विषय है जिसके लिए उसको तनाव हो रहा है उसके लिए। तो हम ये कह सकते हैं स्ट्रेस में टू रिमेन नीड गाइडेंस टू टॉक, ठीक है। अपने परिचर्चा के लिए, अपने वर्ग चर्चा के लिए उसे किसकी आवश्यकता होती है, उसके मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो वो उसे कहाँ मिलता है, उसे क्लासरूम के अंदर उसे ये मिलता है मार्गदर्शन, जिसके अंदर वो अपनी सारी समस्याओं को दूर करता है। एक शिक्षक निर्देशनकर्ता के रूप में जब उसका तनाव दूर हो जाता है तो उसकी क्या हो जाती है उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। उसका बेसिकली क्या होता है लास्ट में उद्देश्य, उसका उद्देश्य निर्धारित जब उसे मार्गदर्शन मिल जाता है तो उसका उद्देश्य निर्धारित हो जाता है कि जब मैं इतना स्ट्रेस में हूँ तो एक पर्टिकुलर मेरा क्या उद्देश्य है। वो जैसे आप भी अपने बीएड कर रहे हैं तो बीएड के अंदर आपको बहुत सी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, कभी कभी आप अपना गोल डिसाइड नहीं कर पाते तो आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो क्लासरूम के अंदर एक शिक्षक के नाते, निर्देशनकर्ता के नाते आपको चीज इजी वे में प्रोवाइड हो जाती है। फिर आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक। तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चों के तनावों को दूर करने के लिए कक्षा कक्ष बहुत ज़्यादा जो क्लासरूम है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जिसके अंदर बच्चों की हर प्रकार की समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कक्षा कक्ष परिचर्चा के आवश्यक तत्व। अब इसकी क्या क्या एलिमेंट्स है, ठीक है, इसका क्या क्या हमें देखने को मिलता है या हम प्रक्रिया कह सकते हैं या प्रोसेस कह सकते हैं कि कौन कौन सी प्रोसेस हमें देखने को मिलती है, क्या क्या प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो इसमें पहला होता है न्यूट्रिशन,
उपयोगिता, भाषा की उपयोगिता मतलब होता है कि जो समस्या होती है उसकी जो भाषा होती है, जो लैंग्वेज होती है, वो क्या होती है, सरल और सहज होनी चाहिए। जैसे आपको पता है कि क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर हर टाइप के स्टूडेंट्स, विभिन्न प्रकार के स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कोई इंग्लिश मीडियम से भी बिलोंग करता है, हिंदी मीडियम से भी बिलोंग करता है, तो जब आपको समस्या लग रहा है या जो आपको जिसके विषय में आप चर्चा कर रहे हो, जो टॉक कर रहे हो, जो इंडक्शन कर रहे हो, तो वो ध्यान में रखना चाहिए कि अगर बच्चों को इंग्लिश, आप ये है कि आप इंग्लिश में बोले जा रहे हो और बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को कौन सी उपयोगिता है, किस भाषा की उपयोगिता, मतलब वो किस भाषा में अपना जो डिस्कशन है वो चाहते हैं, किस भाषा में उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, कितने ईजी को इनमें समझ में आए, उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और वो अपना समाधान कर सके। तो जैसे हिंदी, जैसे हिंदी से ब्लॉक है तो आपको हिंदी में बोलना है, हिंदी की भाषा आपको सरल रखनी है, टिपिकल वर्ड्स का यूज़ नहीं लेना है। इसी तरह इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश में ही बच्चों को वो चीज़ें बतानी है, क्योंकि एक तरह से क्लासरूम टॉक है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, एक दूसरे के लिए इंटरेक्ट होना, तभी बच्चों की क्या होगी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है जाता है, जो विचार
सलाह मशवरा लेते हैं, इंटरेक्ट होते हैं आपस में। तो जब वो इंटरेक्ट होते हैं तो ऐसे हमें हर चीज़ की बातें याद रखनी चाहिए कि बच्चों को इजी वे में समझना है। फिर लास्ट में आता है निर्देशन का प्रकार। स्टार्टिंग में निर्देशन करता है, लास्ट में निर्देशन प्राप्त करता है। इसका मतलब ये कि एक स्टार्टिंग होती है शिक्षक के रूप में, खत्म होती है निर्देशन प्राप्तकर्ता के रूप में। क्यों होती है? क्योंकि जब बच्चे उस चीज़ को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उनकी क्या हो जाती है, समाधान हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग होती है शिक्षक एक निर्देशनकर्ता के रूप में और छात्रों के रूप में निर्देशन प्राप्तकर्ता के रूप में उनकी समाप्ति होती है। तो ये सारे के सारे क्या था, एक आवश्यक तत्व थे। हम एलिमेंट्स हो सकते हैं, प्रोसेस हो सकते हैं, प्रक्रिया हो सकते हैं। आप हिंदी में किस तरह एक क्लास रूम के अंदर एक दूसरे बच्चे आपस में क्या होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं टीचर के लिए। अब ये आपका जो आवश्यक तत्व थे वो नहीं फिनिश हो जाते। अब कल मैं आपको उसका नीड बताऊंगी कि बेसिकली मैं सॉरी नीड बता दिया था क्या क्या इम्पॉर्टेंस होती है कि बच्चों के क्लास रूम क्यों, मतलब क्लास रूम क्यों है, एक तरह से क्लास रूम के अंदर किस तरह बच्चों को ज्ञान बांटा जाता है या बच्चों का जो नॉलेज है या बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्व किया जाता है। तो सब बहुत मतलब ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट यही आ सकता है कि जो निर्देशन होता है, बच्चों को निर्देशन नहीं मिल सकता या बच्चे संपर्क में नहीं आ पाते और वो अपनी बात भी नहीं कर पाते या उन्हें गाइडेंस भी मिल पाता, तो उनके लिए कठिन कार्य लगता है। इसलिए जो है इसलिए क्लासरूम क्या है, क्लासरूम बच्चों के लिए बनाया गया है जिसके अंदर बच्चे अपनी समस्या को एक शिक्षक के सामने रखे। मास्क लगा कर रखें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, घर पे रहो,